नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। किडनी पेशेंट को डायलिसिस के लिए नहीं खर्च करने होंगे लाख रुपए। त्योहारों को लेकर बिहार लौटने वाली ट्रेनों में है लंबी वेटिंग। पीडीएस डीलर या उनके रिश्तेदार के पंचायत चुनाव लड़ने पर लगी शर्त। चिराग पासवान और पशुपति पारस को मिल गए अलग अलग चुनाव चिन्ह। कांग्रेस के सिंबल पर पप्पू यादव को चुनाव लड़ने का मिला ऑफर। तो आइए अब जानते हैं बिहार से जुड़ी खबरों को विस्तार से। त्योहारों को लेकर बिहार लौटने वाली ट्रेनों में है लंबी वेटिंग लिस्ट। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ जैसे बड़े त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बेंगलोर समेत दूर बसे महानगरों में रह रहे बिहार के लोग वापस अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे हैं, मगर ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण इन लोगों को काफी समस्या खड़ी हो गई है। सबसे ज्यादा भीड़ दिल्ली, मुंबई से आने वाली ट्रेनों में है, तो वहीं स्लीपर क्लास में 100 से अधिक वेटिंग अभी चल रही है। नई दिल्ली से आने वाली ट्रेनों में वेटिंग अधिक है। संपूर्ण क्रांति, श्रमजीवी एक्सप्रेस, ब्रह्मपुत्र मेल, विक्रमशिला एक्सप्रेस आदि महत्वपूर्ण ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। तो वहीं तेजस रेक के साथ चलने वाली नई दिल्ली राजेंद्र नगर राजधानी में फर्स्ट एसी में 5 अक्टूबर को 5, 6 को 2, 8 को 10, 9 को 10 व 10 को 11 वेटिंग है। हालांकि रिजर्वेशन रद्द होने पर बर्थ मिल जाएगी। अब जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। बिहार के मौसम में इन दिनों हर रोज ही बदलाव हो रहे हैं। मानसूनी प्रभावों के कारण बारिश और तेज हवा बहने के कारण गर्मी से कुछ राहत मिली, तो वहीं धूप निकलने के बाद दिन के समय गर्माहट सी महसूस हुई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक राज्य के अलग अलग हिस्से में बने निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के गंगेय के क्षेत्र के पास चक्रपाती परिसंचरण के क्षेत्र बनने से अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के पूर्व व मध्य बिहार में एक या दो जगहों पर मेघ गर्जन व वज्रपात की आशंका है। वहीं कुछ जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है। किडनी पेशेंट को डायलिसिस के लिए नहीं खर्च करने होंगे लाख रुपए। किडनी के मरीजों को इलाज में लाखों लाख रुपए लग जाते हैं, मगर बिहार में अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार डायलिसिस के लिए अब और भी मशीनें सरकारी अस्पतालों के लिए खरीदेगी। साथ ही इसकी सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर व राशन कार्ड धारी मरीजों को ही मुफ्त में मिलेगी। इस बारे में बताते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में किडनी के मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश में 175 डायलिसिस मशीनें हैं, आवश्यकता पड़ने पर और मशीनें खरीदी जाएंगी। 38 में से 35 जिलों में मेडिकल कॉलेज अस्पताल या सदर अस्पताल में मुफ्त डायलिसिस व्यवस्था की गई है। अभी तक 1077 मरीज मुफ्त डायलिसिस का लाभ उठा रहे हैं। पीडीएस डीलर या उनके रिश्तेदार के पंचायत चुनाव लड़ने पर लगी शर्त। बिहार में दो चरणों के चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अब तीसरे चरण के मतदान की तैयारी हो रही है। इसी बीच अब राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी साझा की है, जिसके तहत अब पीडीएस डीलर अपने या उसके नजदीकी रिश्तेदार पंचायत चुनाव लड़ेंगे तो उनका राशन दुकान चुनाव के अवधि तक बगल के डीलर में टैग किया जाएगा। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग उप सचिव ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव को पत्र भी भेज दिया है। साथ ही साफ निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से करवाया जाए। यही कारण है कि पंचायत चुनाव में डीलर खुद या फिर उसके सगे संबंधी अगर अभ्यर्थी होंगे तो चुनाव भर उनके राशन दुकान को बंद कर आसपास की दुकान में उनका टैग कर दिया जाएगा। दरअसल आयोग को शिकायत मिली थी कि पीडीएस डीलर अपने या रिश्तेदार के लिए वोट मांग रहे हैं और डीलर अपने पैसे से अनाज खरीदकर मुफ्त में वितरण कर रहा है, जो कि हर रूप में चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है। इसे महीने पूरा हो जाएगा 6 करोड़ वैक्सीन देने का लक्ष्य। बिहार सरकार ने दिसंबर तक राज्य में 6 करोड़ वैक्सीनेशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन आंकड़े के मुताबिक यह लक्ष्य इसी महीने के अंदर पूरा हो जाने वाला है। अभी तक राज्य में कुल 5,79,00,000 टीका देने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। ऐसे में अब कुल 21,00,000 वैक्सीन की डोज लगाने के बाद यह लक्ष्य पूरा हो जाने वाला है। जिस रफ्तार से वैक्सीन लग रही है उसके तहत 10 दिनों के अंदर ही इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि बिहार के 4,54,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है, जबकि दोनों डोज लेने वाले लोगों की संख्या 1,24,00,000 है। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार देश में 6ठा राज्य है जहां पर 5,71,00,000 डोज टीका दिया जा चुका है। तो वहीं टीकाकरण अभियान के दौरान देश भर में 91,30,00,000 से अधिक डोज दिए जा चुके हैं। पटना डोभी रोड अगले साल के अंत तक बनकर होगा तैयार। करीब 127.35 किलोमीटर की लंबाई वाले पटना डोभी सड़क को साल 2022 के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा, जिसके बाद पटना और गया के रास्ते आने जाने वाले लोगों का सफर आसान हो जाएगा। इस सड़क को लेकर बीते दिन पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने अधिकारियों और इंजीनियरों को निर्देश जारी कर कहा है कि तय समय पर सड़क का निर्माण कराना है। इसके लिए राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। मंत्री ने पटना से डोभी नेशनल हाईवे का निरीक्षण करने के बाद कहा
कि पटना डोभी सड़क की लंबाई 127.35 किलोमीटर की होगी, जिसमें 9 बाईपास होंगे जबकि एक पथांश को री अलाइन किया जाएगा। इन सभी की लंबाई करीब 64.914 किलोमीटर की है, जिसके तहत पटना जिले में 4 बाईपास भी शामिल है। जदयू के दोनों प्रत्याशियों ने उपचुनाव के लिए भरा नामांकन। बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो चुके हैं और आज पहले दिन ही जदयू के दोनों उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा भरा। इसे लेकर जदयू के 2 दिग्गज अलग अलग मोर्चा संभालते नजर आए। एक तरफ जहां तारापुर सीट के लिए एनडीए प्रत्याशी के रूप में राजीव कुमार सिंह ने नामांकन भरा, जिसका मोर्चा खुद जदयू के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह संभालते दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ कुशेश्वर स्थान से अमन हजारी ने नामांकन का पर्चा भरा और इस मोर्चे को केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह संभालते हुए नजर आए। बताते चले कि अब इन दोनों ही सीटों पर एनडीए संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार करेगा। बेतिया में लौरिया स्थान को बनाया जाएगा पर्यटन हब। बेतिया के लौरिया में स्थित अशोक स्तंभ और नंदनगढ़ का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और उसे पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ये बातें बीते दिन बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री ने लौरिया के दौरे के वक्त कही। उन्होंने कहा कि हर साल यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लेकिन यहां सुविधा की कमी के कारण समस्या होती है, जिसे सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए लौरिया के अशोक स्तंभ व नंदनगढ़ का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, साथ ही साथ पर्यटकों के बैठने के लिए कुर्सी और लाइट की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं स्थानीय विधायक ने इस स्थान को बौद्ध सर्किट से जोड़ने की भी बात कही। पटना में दशहरा मेला और रावण दहन पर लगी रोक। राजधानी पटना में दशहरा में श्रद्धालु इस बार पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन तो कर सकेंगे, लेकिन मेला का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। साथ ही साथ पूजा समितियों को डीजे बजाने पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं रावण वध कार्यक्रम का आयोजन भी पटना जिले में नहीं हो पाएगा। दरअसल जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया है। डीएम ने लोगों से भी शांतिपूर्ण तरीके से दशहरा मनाने की अपील की है। वहीं बीते दिन डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में वरीय अधिकारियों की बैठक भी हुई, जिसमें दशहरा पूजा से संबंधित सभी बिंदुओं पर विचार किया गया। ज्यादातर अधिकारियों का सुझाव था कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए दशहरे मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि मेले में भीड़ भाड़ हो जाती है, ऐसी स्थिति में संक्रमण बढ़ सकता है। चिराग पासवान और पशुपति पारस को मिल गए अलग अलग चुनाव चिन्ह। लोक जनशक्ति पार्टी में तख्ता पलट के बाद से सियासी घमासान अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही गुट को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह मिल गए हैं। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता दी है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर होगा। आपको बता दें कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें लोजपा का पारस गुट बिहार एनडीए के साथ है, तो वहीं चिराग गुट ने चुनाव लड़ने की बात कही है। ऐसे में अब चुनाव आयोग ने चिराग गुट के लिए हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह की घोषणा कर दी है और यह चुनाव चिन्ह बिहार में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी दिया गया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम दिया गया है, जिसे सिलाई मशीन चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। कांग्रेस के सिंबल पर पप्पू यादव को चुनाव लड़ने का मिला ऑफर। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने से पहले ही महागठबंधन में तालमेल बिगड़ गए हैं। राजद ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिसके बाद से ही कांग्रेस भी राजद को खुले तौर पर चुनौतियां दे रही है। इस बीच अब पार्टी ने जा प्रमुख पप्पू यादव को तारापुर सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया है और इसके साथ ही राजद को घेरने की भी कोशिश की। दरअसल कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि पप्पू यादव जेल से रिहा हो गए हैं और वे बिहार में लालू यादव के बाद यादवों के दूसरे सबसे बड़े नेता है। कांग्रेस उनके संपर्क में है, लेकिन शर्त यही है कि पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर ही तारापुर से चुनाव लड़े। अगर वे सहमति व्यक्त करते हैं तो कांग्रेस पार्टी इस पर विचार करेगी। बिहार में औद्योगिक विकास को लेकर उद्योग मंत्री ने अमित शाह से की मुलाकात। बिहार सरकार के उद्योग मंत्रालय का भार संभालने के दिन से ही शाहनवाज हुसैन लगातार ही सूबे में उद्योग धंधे को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। इस बाबत वे केंद्र सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात दर मुलाकात करके बिहार को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस क्रम में वे बीते दिन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले और उन्हें बिहार के इथेनॉल पॉलिसी की सफलता के बारे में अवगत कराया, साथ ही साथ बिहार के औद्योगिक विकास में सहयोग मांगा। इस के बाद मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात में बिहार को उसकी क्षमता के अनुरूप इथेनॉल आपूर्ति का कोटा देने का आग्रह किया है।
आरजेडी को झूठा करार दे रही है कांग्रेस। बिहार कांग्रेस और राजद के बीच इन दिनों सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पहले मदन मोहन झा ने जगदानंद सिंह को झूठा करार दिया, तो वहीं अब कांग्रेस तेजस्वी यादव को भी झूठा करार करने में लगी हुई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा था कि उपचुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े करने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास से फोन पर बात करके फैसला लिया गया था, जिसे कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा गलत करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि कोई अगर भक्त चरण दास से बात हुई तो हमें जानकारी होती, और अगर ऐसी कोई बात होती तो हम लोगों से चुनाव को लेकर कमेटी बनाने की मांग क्यों की जाती। एनसीबी केस में शाहरुख के बेटे का नाम आने के बाद फैंस कर रहे हैं सपोर्ट। एनसीबी केस को लेकर मुश्किलों का सामना कर रहे शाहरुख खान के बेटे आर्यन को बॉलीवुड सितारे और फैंस का काफी सपोर्ट मिल रहा है। किंग खान के बहुत से फैंस सोशल मीडिया के जरिए और आर्यन खान के लिए सहानुभूति जता रहे हैं। इन सब के बीच अब शाहरुख खान के फैंस खास अंदाज में उनका और आर्यन का सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल आर्यन खान ने हॉलीवुड फिल्म द लायन किंग के हिंदी वर्जन में अपनी आवाज दी थी। उन्होंने सिम्बा किरदार में अपनी आवाज दी थी, तो वहीं शाहरुख खान के सिम्बा के पिता मुफासा के किरदार में अपनी आवाज दी थी। वहीं आर्यन खान के एनसीबी मामले में गिरफ्तार होने के बाद सोशल मीडिया पर यह द लायन किंग फिल्म से जुड़ा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके साथ किंग खान के फैंस उनका सपोर्ट कर रहे हैं। भारत बनाम पाकिस्तान मैच के सभी टिकट्स हुए बुक। 24 अक्टूबर 2021 की तारीख को लेकर काफी उत्साह है, क्योंकि इस दिन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 का मुकाबला खेला जाना है। ये अपने आप में किसी महामुकाबले से कम नहीं है, और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मेगा इवेंट के इस मैच के लिए कुछ ही घंटों में सभी टिकटों की बिक्री हो गई है। बताते चले कि आईसीसी ने मेजबान बीसीसीआई, यूएई और ओमान के क्रिकेट बोर्ड और सरकारों से बातचीत करने के बाद यह तय किया था कि टूर्नामेंट के दौरान 70% तक स्टैंड भरे जा सकते हैं। दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता 25,000 है, जिसका मतलब है कि टी20 विश्व कप के दौरान आयोजन स्थल पर हर मैच में लगभग 18,500 सीटें उपलब्ध होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार क्या आपके क्षेत्र में पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं या अब तक नहीं हुए। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।